और चलिए जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और बात करते हैं पीएसयू कंपनी की जो है एनबीसीसी। एनबीसीसी पे आज खबर आई है कि एमटीएनएल के साथ कर लिया है कंपनी ने एमओयू, और ये जो एमओयू किया है वो इसलिए किया है कि कंपनी जो है एमटीएनएल के 13.88 एकड़ के लैंड पार्सल जो है, एक जमीन का जो टुकड़ा है, उसको डेवलप करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के पंखा रोड में 1600 करोड़ रुपए में ये इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने की बात यहाँ पर सामने निकल करके आई है एनबीसीसी में। और एनबीसीसी में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खासा मोमेंटम है कंपनी के पास। इस समय करीब 81,300 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, और सभी पीएसयू शेयरों में जो गिरावट रही है उसके चलते यहाँ गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन आज 2.25% से ज़्यादा की मजबूती एनबीसीसी के शेयर में देखने को मिल रही है। सर, क्या सलाह रहेगी? बाकी पीएसयू के साथ ये भी करेक्ट हुआ है, लेकिन इसमें भी काफ़ी अच्छी रैली रही है। अभी जो खबर आई है उसके चलते 2.25% आज ऊपर है, अभी क्या करना चाहिए सर इनको? जी, तो देखिए एनबीसीसी में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मेरा पॉजिटिव है। मुझे लगता है एनबीसीसी में अगर आप वैसे भी ध्यान दें तो एनबीसीसी के पास ऑर्डर बुक बहुत जबरदस्त है। पहले भी आप मैनेजमेंट कमिटी को सुनेंगे तो अच्छी ऑर्डर बुक है। अगर आप देखेंगे स्टैंड अलोन बेसिस पे 70,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक करीब 81,000 करोड़ के आसपास है। ये साल ही टारगेट किया था करीब 10,000 करोड़ की का टर्नओवर स्टैंड अलोन लेवल पर, 13,000 करोड़ का टर्नओवर कंसोलिडेटेड लेवल पर होने वाला है। ऑर्डर बुक उनको लगता था 1,00,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। तो देखिए ऑर्डर्स भरपूर है कंपनी के पास, ये बड़ा स्टॉक है। मेरा टारगेट 276 का है, तो करंट भाव से भी अभी मेरा टारगेट करीब करीब आप मानिए कि 45% ऊपर है सर। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कभी 190 के ऊपर चलना शुरू हो। राइट, कहीं मैंने 174 के आसपास क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, 160 के स्टॉप लॉस से अभी भी पोजिशन बनी हुई है। थोड़ा इसने जून के बाद से थोड़ा थकाया है स्टॉक ने, लेकिन मुझे लगता है जैसे 190 के ऊपर चलना शुरू करेगा बड़ी रैली इसके अंदर आएगी, ये 276 की तरह भागता दौड़ता दिखाई देगा, 45% ऊपर, तब मैं आपसे शेयर भी करूंगा।